हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल भी है, क्योंकि उत्तराखंड का बिगेस्ट हॉस्पिटल लास्ट 10 महीने से कोरोना की वजह से लोगों को हम नहीं दे पा रहे थे। बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस भी किया और अभी मीडिया के माध्यम से भी आपको पता ही है कि केसेस कम हो रहे हैं, आईपीडी कम है। अभी मुश्किल से हमारे यहाँ 40 मरीज हैं, जहाँ कभी 300-300 पेशेंट हुआ करते थे। और हमने ओपीडी पहले शुरू कर दी थी, बस एक लिमिटेड ओपीडी शुरू की थी कि इतनी संख्या ही हम लेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हम संख्यावार जो है संख्यावार को हटा रहे हैं, संख्यावार को हम हटा रहे हैं। सारी ओपीडी में जो जितने लोग आके दिखाना चाहेंगे दिखाएंगे, और उसको हम लोगों ने आज से हटा दिया है। एक सोशल डिस्टेंसिंग, और आपके चैनल के थ्रू मैं बोलूँगा कि जब हमने खोला है तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग करें, डिस्टेंसिंग एंड मास्क लगाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ओपीडी में जाए। हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो हमने एकदम सेपरेट रखा हुआ है, और ओपीडी में आने जाने का, इवन अप टू फुल ओपीडी का भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की हुई है। होपफुली, भी मुझे फिक्र नहीं पता, लेकिन शायद 1000-1500 क्रॉस किए होंगे आज। इस तरीके से हमने ओपीडी शुरू कर दी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम लोग अभी नेक्स्ट नॉन कोविड हॉस्पिटल या इंडोर कैसे शुरू करें, इस पर भी हम चिंतन एंड मंथन कर रहे हैं, ताकि हॉस्पिटल का एक पार्ट हमारा कोविड हो जाए और एक पार्ट अगर हम सेफली खोल सकें तो लोगों को इंडोर सुविधा भी हम दे सकें, क्योंकि इंडोर की वाकई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग इस पर भी प्लान कर रहे हैं।